हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, टुडे मैं आपके साथ ब्राइडल मेकअप किट शेयर करूँगी जो बहुत ही अफोर्डेबल होगा। आई थिंक 500 के अंदर हो जाएगा सब कुछ। कुछ एक चीज़ थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन सेल के टाइम में वो आपको 500 के अंदर मिल जाएगा। तो ब्राइडल मेकअप किट में क्या क्या चाहिए और अफोर्डेबल में, मतलब इतना, तो गाइस अफोर्डेबल में मतलब इतना हाई एंड प्रोडक्ट्स नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए मैं ऐसे अफोर्डेबल स्किन केयर में या कुछ शेयर करूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब के पास मुझे बेल बटन उसे भी दबा दीजिएगा ताकि आप नोटिफाइड रहे जब भी वीडियो अपलोड करें। तो मिलती तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेकअप करने के लिए जो फर्स्ट चीज़ जो चाहिए तो वो है प्राइमर। प्राइमर के लिए मेरे पास एक ही रिकमेंडेशन है, वो है आई एम्स्टरडम का ये प्राइमर। ये हाइड्रेटिंग विथ पोर मिनिमाइजिंग एफिशिएंसी द परफेक्ट बेस फॉर योर मेकअप प्राइमर है। और इसका रिटेल प्राइस 300 समथिंग है, मतलब 500 के अंदर आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा है, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। इसमें आपके पोर्स जो है उसको ब्लर आउट कर देता है, तो स्किन को स्मूथ करता है, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करता है। ये ले सकते हैं या फिर आप मेरे पास और एक ही मैं अभी दिखाने मतलब है मेरे पास, आप एलोवेरा जेल को एज ए प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि प्राइमर अगर आप रोज़ रोज़ यूज़ करेंगे तो आपका जो स्किन के लिए अच्छा नहीं है। तो आप एलोवेरा जेल को एज ए प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास वो आपका एलोवेरा जेल है जो एकदम ही क्लियर ट्रांसपेरेंट है, प्योर एलोवेरा जेल है, वो आप एज ए मेकअप लाइक प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। तो ये था प्राइमर। तो पता है फाउंडेशन की बारे, तो फाउंडेशन के लिए मेरे पास दो रिकमेंडेशंस है। एक ही मेबलिन फिट मी का मैट प्लस फाउंडेशन, ये है इन द शेड नेचुरल बक। इसमें से छोटा है वाला एक वेरिएंट सेम है, छोटा है ये है 128 वार्म न्यूड। बहुत अच्छा फाउंडेशन है, इतना फुल कवरेज भी नहीं है, इतना लो कवरेज भी नहीं है, मुझे तो फुल कवरेज लगता है। और मैट है, इतना मैट नहीं है कि आपकी फेस को पूरा ऐसे स्ट्रेच करेगा। मतलब मुझे तो मैट में थोड़ा टाइम बाद आपको हाइड्रेटिंग भी रहेगा, इतना मैट भी नहीं है। तो ये ले सकते हैं, 500 के अंदर है। सेल के रहे में आपको 300-350 ऐसे में मिल जाएगा। और दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो है ये वाला लेकमी का 95 का वेटलेस मूस फाउंडेशन। इसका शेड का नेम है 02 वेज वनीला। तो ये भी ये छोटा वाला है, ये मुझे पड़ा था 100 समथिंग कितने का। बड़ा वाला ले सकते हैं, अच्छा है, मतलब जिनका ऑयली स्किन है वो यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा ब्लेंड करने में थोड़ा तकलीफ होता है। मैं अभी नया यूट्यूब स्टार्ट किया तो इतने ज़्यादा प्रोडक्ट मेरे पास नहीं है, जो है मैं उसके अंदर मैं आपको दिखा रही हूँ। कहते हैं कंसीलर की बारी, तो कंसीलर के लिए मेरे पास 3 रिकमेंडेशंस हैं। बहुत अच्छा है, तीनों बहुत ही अच्छा है, फुल कवरेज है और ब्लेंड करने में बहुत इजी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेट जो मेरा है वो ही एलेगल का ब्रो कंसील इन द शेड नेचुरल बीज। ये शेड है, ये थोड़ा सा हाइलाइटिंग है, इतना ज़्यादा हाइलाइटिंग नहीं है मेरे स्किन के लिए। ये ले सकते हैं, बहुत अच्छा है, सेल के टाइम में आपको 500 के अंदर मिल जाएगा। ये जब सेल चलता है नायका पे पर्पल पे तब लीजिए। ये है प्रो एलेगल प्रो कंसील हाई डेफिनेशन HD हाई डेफिनेशन कंसीलर, बहुत अच्छा है। ये ले सकते हैं या फिर ये मेबलिन फिटमी का कंसीलर ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। 200-250 इतने में मिल जाएगा सेल के टाइम में आपको। ये शेड है इन द शेड लाइट, तो ये आपको हाइलाइटिंग पर्पस आप यूज़ कर सकते हैं। ये है 01 लाइट लाइटर और ये है अगर आप थोड़ा फेयर या मेरे स्किन टोन की भी हो तो आप ये हाइलाइटिंग पर्पस ले सकते हैं। और ये वाला कंसीलर है स्विस ब्यूटी का कंसीलर, ये तो इतना अच्छा है, इतना अफोर्डेबल है आपको। ये है नंबर 1 शेड, पता नहीं क्या नाम है, लेकिन ये मेरे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है। इसमें नेट 5.6 ग्राम प्रोडक्ट्स मिलता है और इसका प्राइस 200 समथिंग है, मैंने 100 समथिंग में लिया था। तो ये तीन है कंसीलर का रिकमेंडेशन। अब मैं आपको फर्स्ट लूज पाउडर बोलूँगी, ये वाला आँख बंद करके ले लीजिए कि ये मेबलिन फिट मी का लूज पाउडर और ये शेड है लाइटर। हाँ, तो लाइट मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि इसमें जो मीडियम शेड है मैंने देखा है जो लोग रिकमेंड करते हैं, जो मीडियम शेड है वो भी थोड़ा डार्क, मतलब इतना लाइट नहीं है, तो लाइट मेरे लिए ठीक है तो मैंने लिया है। इतना अच्छा है गाइस, आप लेके देखिए, आप बेकिंग करने के लिए इतना कवरेज नहीं है लेकिन आपकी स्किन को पता नहीं इसमें क्या दिया है, इसमें आपकी स्किन का पोर्स है उसको पूरा ब्लर कर देता है, बहुत अच्छा है। और ऐसे कॉम्पैक्ट के लिए मैं आपको ये रिकमेंड कर सकती हूँ, ये है मेबलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट। ये मुझे सिर्फ 100 में मिला था, इसका ओरिजिनल प्राइस, इसका शेड है नेचुरल आइवरी। ये शेड, इसमें सन प्रोटेक्शन है, SPF 25-20 PA++ भी है, मैट प्लस पोरलेस पाउडर है, अप टू 12 आवर्स ऑल कंट्रोल पाउडर है, बहुत अच्छा है।
और ये मुझे ये ओरिजिनल प्राइस शायद 150 है, मुझे 100 में मिला था। ये ले सकते हैं, ये मेबलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट है, वो भी मैं मेरे पास नहीं है, मैं यूज़ करती थी, वो भी आप ले सकते हैं। ये मैंने एक मेकअप लुक किया था वो है, और एक पैलेट है उसमें एक कॉन्टोरिंग शेड है और एक पाउडर है। पाउडर देखिए मैंने पेन को टच कर लिया, मतलब हिट कर लिया है, तो वो ये वेट एंड वेल का मेगा ग्लो कॉन्टोरिंग पैलेट कॉन्टोर, इसका शेड का नाम है शायद डालचे डालचे ना क्या अपना नाम है पता नहीं। तो इससे बहुत अच्छा कॉन्ट्रोलिंग होता है और ये येलो कलर में है, तो मैं हमारे इंडियन स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ब्राइटनेस ब्राइट कर देता है आपके अंडर आइज को, बनाना पाउडर जैसा है इसका कलर, तो ये भी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा है, कॉम्पैक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। और अभी मैं आपको बोलूँगी ब्लश, तो ब्लश के लिए आप ये वाला बटन बॉय का जो कलर आइकन ब्लश है, ब्लश मेट प्लस वेक ही है, ये ले सकते हैं, बहुत अफोर्डेबल है, 200 समथिंग में मिलेगा, और ये पीची सॉर्ट ऑफ कलर है, 299 है, लेकिन आपको सेल के टाइम में 150 में भी मिल सकता है ये पीची सॉर्ट ऑफ कलर। इसमें बहुत सारे कलर वेरियंट्स है, ये ले सकते हैं, बहुत अच्छा प्लान होता है, बहुत अच्छा कलर है, पे ऑफ है, बहुत अच्छा है। मैं आपको इसका शेड थोड़ा दिखाती हूँ, आपको इतना पिगमेंटेशन देख सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी आई शेडो पैलेट में जो पिंक पीच बहुत सारे कलर्स होते हैं, अगर आपको अच्छा है आई शेडो पैलेट ले लिया आपने, उसमें सारे बर्सेज के कलर है, तो आप ऐसे आई शेडो ऐसे आईब्रो पाउडर ऐसे ब्लश ऐसे कॉन्टोरिंग ऐसे ब्रॉजिंग सब यूज़ कर सकते हैं, ऐसे हाइलाइटर सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। अब आप लिपस्टिक को भी ऐसे ब्लश यूज़ कर सकते हैं, कोई पिंक हो कोई पर्पल हो, आप जस्ट डैप डैप करके ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लीजिए या फिर अपने फिंगर से ही ब्लेंड कर लीजिए। अब हम आते हैं कॉन्टोरिंग या ब्रॉन्जिंग के लिए, तो कॉन्टोरिंग के लिए मैंने जो आपको दिखाया था पहले वेट एंड वेल का जो कॉन्टोर पैलेट है, इसमें ये वाला शेड है, आप ऐसे कॉन्टोरिंग यूज़ कर सकते हैं, आप इसको ऐसे ब्रॉन्जर भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है क्योंकि इसका जो कलर है थोड़ा सा जैसे ब्रॉन्जर का होता है वैसा है कलर। और एक मेरे पास अभी मैं अभी नहीं लाई हूँ वो है एंड वाई बे का जो स्टिक जो होता है ना कंसीलर स्टिक, उसमें मेरे पास एक शेड है वो में बहुत अच्छा वर्क करता है कंसीलर लाइक एज ए कॉन्टोरिंग, तो वो आप क्रीम कॉन्टोर ऐसे यूज़ कर सकते हैं, या आप कोई भी ब्राउन कलर का लिपस्टिक मैं आपको दिखाऊंगी सिर्फ लिपस्टिक से मेकअप करके वो आप एज ए कॉन्टोरिंग यूज़ कर सकते हैं। अब आपको अब आपको ब्लेंड करने के लिए अगर आपको ब्यूटी ब्लेंडर लेना है तो आप ये मैंने 150 या 160 में लिया था, गुब्बा USA का है, और भी है मेरे पास बहुत सारे अफोर्डेबल जो ब्यूटी ब्लेंडर अच्छे होते, कौन बोलते हैं कि अफोर्डेबल में अच्छा नहीं होता, अच्छा है, सॉफ्ट है, अच्छे से ब्लेंड करता है, पहले मुझे अच्छा नहीं लगा था अभी मुझे अच्छा लग रहा है। या फिर आप ऐसे कोई ऐसे ब्रश का कोई सेट ले सकते हैं, ऐसे बहुत अफोर्डेबल भी मिलता है, उसमें आपको फ्लैट ब्रश मिलेगा फाउंडेशन का, ऐसे आप वो ले सकते हैं फाउंडेशन के लिए, पाउडर के लिए ऐसे ले सकते हैं, इसको आप ऐसे ब्लश लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा आप कॉन्टोरिंग इसको थोड़ा सा पिंच करके आप कॉन्टोर भी कर सकते हैं, इससे आप ब्रॉन्जिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट हाइलाइटर की पैलेट, हाइलाइटर के लिए मेरे पास दो रिकमेंडेशन है, और आप मैंने बोला आई शेडो को तो कोई भी कूल डाउन शैम्पेन शीट आप ऐसे हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, तो हाइलाइटर के मेरे पास ये है वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाइलाइटर इन द शीट प्रीशियस बटर पेटल, और ये है मेबलिन न्यूयॉर्क का मास्टर क्रोम बाई फेस स्टूडियो मेटालिक हाइलाइटर इल्यूमिनेटिंग फॉर मेटेलिक, और इन द शेड है ये मोल्टन रोज गोल्ड, दोनों बहुत अच्छा है मैं क्या बोलूँ, लेकिन ये वाला मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, ये पिंक कलर का हाइलाइटर है, इसका पिगमेंटेशन है पूरा बैम बैम टाइप ऑफ है, देखिए इतना ज़्यादा ग्लॉस है, और ये है थोड़ा शैम्पेनी सॉर्ट ऑफ ए कलर, गोल्डन शैम्पेन कलर है, तो ये मीडियम से थोड़ा डार्क डीप स्किन में अच्छा लगेगा, और ये वाला थोड़ा फेयर स्किन में अच्छा लगेगा, तो आप ये दोनों ले सकते हैं, दोनों 500 के अंदर आता है और सिल्क के टाइम पर बहुत कम में मिलता है। अब मैं आपको दिखाऊंगी आईब्रो, तो आईब्रो के लिए आप ऐसे पेंसिल ले सकते हैं मिस क्लेयर का, ये है 03 मीडियम ब्राउन, आपके हेयर के कलर के अनुसार आप ले सकते हैं, ये सही ले सकते हैं, या आप मुझे तो इससे ज़्यादा पाउडर ज़्यादा पसंद है, तो आपको या शूट पैलेट में कोई डार्क ब्राउन कलर है या ग्रे कलर है तो वो आप ऐसे पाउडर लाइक पाउडर ब्राउ यूज़ कर सकते हैं, पोमेड ले सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं अच्छे ब्रांड्स के, मैं अच्छे ब्रांड्स के साथ दिखा रही हूँ। तो अब आता है हाँ, और आप ये भी एज हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, सकते लेकमी का है, पहले मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे बहुत पसंद है, देखिए ये लूज़ है, लूज देख सकते हैं गोल्डन में इतना सुंदर कलर है, ये देख सकते हैं कितना शाइन है, ये भी 200-250 ऐसे में आ जाएगा, कितना अच्छा है देखिए। तो अब आता है आई शेडो पैलेट, तो आई शेडो पैलेट के लिए मेरे पास 3 रिकमेंडेशन है,
ऐसा कुछ ले लीजिए, मेकअप रेवोल्यूशन का आइकॉनिक वाइटलिटी है ये, मैंने पक्का 500 में लिया था, 500 नहीं 400 समथिंग में लिया था, मिंत्रा से लिया था। इसमें देखिए कितना सारा न्यूट्रल शेड है, ये वाला एज अ ट्रांजिशन यूज कर सकते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब ट्रांजिशन शेड में यूज़ कर सकते हैं। ये डार्क ब्राउन शेड है, आप कॉन्टोरिंग लाइक कॉन्टोरिंग यूज आईब्रो पाउडर यूज़ कर सकते हैं, ये वाला पिंक आप ब्लश यूज़ कर सकते हैं, ये जो शेड है, ये शेड है, ये आप एज ए हाईलाइटर यूज़ कर सकते हैं, हाईलाइटर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे शेड्स है, आप लाइक वर्सेटाइल पैलेट है, आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कलरफुल पैलेट चाहिए तो इसी में और एक वेरिएंट आता है जो मैंने रिसेंटली मिंत्रा से लिया है, इसका भी पिगमेंटेशन अच्छा है। सिर्फ यहाँ वाला ऊपर वाले में दो पर्पल और ग्रीन, ये दो शेड थोड़ा कम पिगमेंटेशन है, इसलिए कितना वेराइटी ऑफ कलर्स है। तो ब्राइड्स को अगर कोई कलरफुल लुक करना है तो आप ये ले सकते हैं, या शादी के बाद आपको कलरफुल साड़ी पहनना है, कलरफुल लुक करना है तो ये ले सकते हैं। ये भी मैंने मिंत्रा से लिया है, पक्का 500 में आया है। इसका पिगमेंटेशन मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा, इसका एकदम पिगमेंटेशन कम है, इसमें कैमरे में पिक नहीं कर रहा है, अच्छा है पिगमेंटेशन। और एक पैलेट में दिखाऊँगी, ये है, ये तो मुझे 300 समथिंग का मिला था, ये है वेट एंड वाइल्ड का पैलेट, ये आप ले सकते हैं, इतना अच्छा है। इसमें और एक शेड है रोज़ इन द ईयर, वो तो इतना वर्सेटाइल पैलेट है, वो जो एनास्टासिया का जो मॉडर्न रेनेसांस ना क्या पैलेट है ना, एक उसका डुप है। तो इसमें देखिए कितना सारा शेड है, ये ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये डार्क ग्रीन है, इसमें ये दो ट्रांजिशन शेड है, यहाँ पे कुछ कलर से बहुत अच्छा अच्छा आप लुक कर सकते हैं, ब्लेंड बहुत अच्छा होता है, किक ऑफ नहीं है, बहुत अच्छा है। आप ये वाला पैलेट भी फ्लाइट के लिए ले सकते हैं, इसमें और वेरियंट दूसरा वाला कलर लीजिए आप, जो रोज दे पैलेट है वो लीजिए। तो आई शेड हो गया, अब मैं काजल के लिए दो रिकमेंडेशन करूँगी, ये है लैक्मे का काजल और ये है नायका का रॉक द लाइनर काजल, दोनों ही बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पिगमेंटेशन है, देखिए आप देख सकते हैं। ये तो स्मच प्रूफ है, ये स्मच प्रूफ नहीं है, ये देखिए पूरा ब्लैक है, और ये देखिए ये ज़्यादा ब्लैक है, ये वाला नायका का जो है वो ज़्यादा ब्लैक है और स्मच प्रूफ भी है, देखिए एकदम देख सकते हैं। तो ये तो काजल का रिकमेंडेशन है, ये 100 समथिंग है, ये तो 70 ना 60 है पता नहीं मुझे। और मस्कारा के लिए दो है मेरे पास, ये है मेबेलिन, दोनों ही मेबेलिन का, मेबेलिन में आपको 500 के अंदर बहुत अच्छे अच्छे मस्काराज मिलेंगे। तो ये है मेबेलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा और ये है मेबेलिन का कॉलोसल मस्कारा, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छा लेंथ देते हैं, आपके लेशेस को कर्ल करता है, बहुत अच्छा है, आप ले सकते हैं। दोनों ही 500 के अंदर आएगा सिल्क के टाइप पे, ये तो ऐसे भी आएगा और ये सिल्क के टाइप पे 500 के अंदर मिलेगा, बहुत अच्छा है, ले सकते हैं मस्कारा। और अब मैं आप लिपस्टिक को भी ऐसे आई शेडो यूज़ कर सकते हैं, सब में सब कुछ होता है, मेकअप का कोई रूल नहीं होता है। एक मैं आपको लिक्विड हाइलाइटर भी सजेस्ट करूँगी, ये वाला स्विच ब्यूटी का लिक्विड हाइलाइटर बहुत अच्छा है, पिंकी शैम्पेनी का सॉर्ट ऑफ कलर है और 300 समथिंग में मिला है, बहुत अच्छा नेचुरल जैसा ग्लो देता है, आप ले सकते हैं। आप बोलेंगे मैं हर सब कुछ अच्छा अच्छा बोल रही हूँ, लेकिन सच में मैं जो प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ वो अच्छा ब्रांड का है और अच्छा है। अपने आईलाइनर, अगर आपको आईलाइनर लगाना पसंद है, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं आपको कलर और ऐसे लाइनर सब कुछ दिखाऊँगी। तो ये है लैक्मे का इंस्टा लाइनर, हमारा क्लासिक सब लगाते आए हैं, बहुत अच्छा है, इसका टिप देख सकते हैं आप, ये देखिए इसका टिप। लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा वाटरी वाटरी टाइप, मतलब सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, वही प्रॉब्लम है। ये है और ये है लोटस का, ये भी आप ले सकते हैं। लैक्मे का तो 100 में मुझे मिला था शायद, और ये जो है ये खुल नहीं ला रहा है, मैं खुल के दिखाते हैं, ब्लैक है लेकिन इसका टिप जो है वो इतना अच्छा नहीं है, प्लास्टिक का है। ये भी आप ले सकते हैं, लोटस का आईलाइनर है, ये है ब्लू हेवन का स्पार्कलिंग आईलाइनर, ये कलर्ड है, इसमें बहुत सारा कलर, मेरे पास ब्लू वाला है तो ये वाला आप ले सकते हैं, देखिए ब्लू है, ये ले सकते हैं, अच्छा है, डिसेंट है, ये भी 100 के अंदर आ जाएगा। ये मेरे पास एक गोल्डन आईलाइनर है, तो मैंने यूज ही नहीं किया है, मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाती हूँ, देखिए देख सकते हैं कितना स्पार्कल है इसमें,
बाई चढ़ के ऊपर इसको ऐसे लगा सकते हैं। देखा है कितना स्पार्कल है। इस आई पी भी लगा लेती हूँ थोड़ा सा, बहुत अच्छा गोल्डन शेड है। मतलब मेकअप का कोई रूल नहीं है, कोई सा भी किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे जो कलर्ड आईलाइनर होते हैं या जो होते हैं उसको आप ऐसे गोल्डन आई शेडो की तरह यूज़ कर सकते हैं। देखिए सकते हैं कितना अच्छा है। तो ये आप ऐसे गोल्डन है, बहुत कलर में आप ले सकते हैं, आपको 200 के अंदर आ जाएगा। अब मैं आपको दिखाऊंगी क्या दिखाना है, तो सब कुछ ख़त्म हो गया है शायद। हाँ तो अब मैं, अगर आपको आईलेश लगाना पसंद है, मेरे पास देखिए प्रो आर्ट का आईलेश है, बहुत अच्छा है, देख सकते हैं। मैं ये ग्लू है मैंने लिया है चाओवा का, तो उसमें मुझे इतना मतलब नॉलेज नहीं है, मुझे मतलब मैं इतना नहीं लगाती हूँ तो इसमें मुझे इतना नॉलेज नहीं है। तो आप ले सकते हैं ऐसा आईलेश। मैंने जो आपको कॉन्ट्रा स्टिक बोला था ये वाला देखिए एन वाई मेकअप, बहुत अच्छा कॉन्ट्रा स्टिक है, आप इसे कॉन्ट्रा यूज़ कर सकते हैं। इसमें डार्क शेड भी मिलता है, ये 60-70 में आ जाता है। और अब मैं आपको, आप आती हूँ लिपस्टिक की बात, तो मैं आपको लिपस्टिक दिखाती हूँ। लिपस्टिक के लिए मेरे पास बहुत सारे रिकमेंडेशन है, आप ऐसे मेबेलिन का ले सकते हैं। मेबेलिन का जो क्रीमी मैट लिपस्टिक है ये है, मेरी बेटी इतना परेशान करती है, ये है फ्लेमिंग फुशिया शेड। और ये है, बहुत लंबा हो रहा है वीडियो में, फास्ट फास्ट कर रही है, ये है टच ऑफ स्पाइस, बहुत अच्छा दोनों ही शेड है, ऐसे न्यूट शेड यूज कर सकते हैं। ये पिंक शेड है, आराम से 500 के अंदर आ जाएगा। अगर आप ग्लॉस लेना चाहते हैं तो ग्लॉस में मेरे पास ये रिकमेंडेशन, ये वेट एंड वाइल्ड का और ये है रिमेल का, इतना अच्छा है ये वाला और ये वाला है वेट एंड वाइल्ड का, दोनों ही अफोर्डेबल है, 500 के अंदर आ जाएगा। कुछ आई इंस्टाग्राम की लिपस्टिक है मेरे पास, ये देखिए तीन शेड है, तीनों ही न्यूड है, ये ब्राउनी न्यूड है, ये दोनों मोव कलर है, ले सकते हैं आप, बहुत ही अफोर्डेबल है, 100 समथिंग में है। ये वाला एक लिक्विड ग्लिटर आई शेडो है, आई शेडो में अगर आप लिक्विड ग्लिटर आई शेडो ले सकते हैं, स्विस ब्यूटी का है, देखिए गोल्डन कलर है, इसमें बहुत सारे शेड है आप ले सकते हैं। अगर आपको लिप लाइनर लेना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये जो मेबेलिन का कलर न्यूअर का कलर सेंसेशनल शेपिंग लिप लाइनर है, ये ले लीजिए। आप कोई भी न्यूड लिप लाइनर ले लीजिए और एक डार्क लिप लाइनर ले लीजिए, आपका सॉर्ट हो जाए, मतलब आप सॉर्ट आउट हो जाएंगे, हो जाएगा आपके लिए। ये देखिए ये तो पूरा न्यूड कलर है, 100 समथिंग में आ जाएगा। और अगर आपको बुलेट लिपस्टिक्स में देखना है तो नायका के मेरे पास दो है, ये है पर्पल कलर का मिस्टीवियस प्लम और ये है ये छोटा वाला है, आप छोटा वाला जो नायका का लिपस्टिक से वो ले सकते हैं। ये वाला शेड है रेसी रोज, ऐसा वाला लेंगे तो जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा, बड़ा वाला जल्दी ख़त्म भी नहीं होता, बहुत अच्छा अफोर्डेबल, बहुत अच्छा है लिपस्टिक, पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है। मैंने ये मिस्टीवियस प्लम भी लगाया, थोड़ा पुराना हो गया इसलिए इतना ये नहीं है। लिक्विड लिपस्टिक में और एक नायका का है मेरे पास, ये है इन द शेड मिस्टी, ये भी बहुत अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा है, ये ले सकते हैं। और एन वाई बी का मेरे पास और भी था, अभी मैंने वो ये नहीं कर दिया। एन वाई बी का मुझे इतना पसंद नहीं है इसका, बहुत ड्राइंग है, फिर भी ये ले सकते हैं, कोरली शेड शेड है और ये वाला ब्राइट्स के लिए बहुत अच्छा है, पूरा रेड है, तो ये बहुत अफोर्डेबल में आता है, सेल के टाइम में 70-75 में मिल जाता है। अब मैं आपको लास्ट में सेटिंग स्प्रे दिखाऊंगी, तो सेटिंग स्प्रे के लिए ये ले सकते हैं मेबेलिन का मिक्स न्यूयॉर्क का लास्टिंग फिक्स, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा वही प्रॉब्लम है स्प्रे का, छिटी छिटी की तरह आता है। 599 का है, मुझे 400 समथिंग का मिला था सेल में। और ये है वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फिनिश नेचुरल वाटर क्या लिखा है, डीप फिक्सेशन न किया, इसमें नेट वॉल्यूम है आपको 45 ml मिलता है, बहुत अच्छा है ये वाला, ज़्यादा अच्छा है। इसका स्प्रे भी ख़राब हो गया, पहले बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है, मेकअप को बहुत अच्छा मेल्ट करता है, लॉन्ग लास्टिंग करता है, बहुत अच्छा है, ले सकते हैं आप। और लास्ट में मैं आपको ब्रश रेकमेंड करूँगी, तो ब्रश के लिए आप आई शेडो ब्रश के लिए मैं आइज़ के लिए बोल रही हूँ, ये वाला प्रो आर्ट का ब्रश है, प्रो आर्ट का PF15 ब्रश, ब्लेंडिंग ब्रश है, ऐसा एक ब्लेंडिंग ब्रश ले लीजिए, क्योंकि आई मेकअप में ब्लेंडिंग ब्रश मस्ट होता है, ये ले लेंगे आप तो आप सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ये वाला ऐसा वाला ब्लेंडिंग ब्रश लीजिए, और बाकी आपको अगर लेना है तो मैंने जो पहले आपको सेट दिखाया था उसमें से आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा सेट ले लीजिए। ऐसा वाला आपको एक ऐसा वाला आपको फ्लफी ब्रश मिल जाएगा,
ये वाला थोड़ा डेंस फ्लफी ब्रश है, ये पेंसिल ब्रश है, ये मिल जाएगा आपको अगर लोअर लैश में कुछ लगाना है, कुछ करना है। ये वाला कट क्रीज के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐसे इनर कॉर्नर को, ब्राउन उनको हाईलाइट कर सकते हैं। ये वाला भी एंगुलर ब्रश है, थोड़ा सा एंगुलर फ्लफी ब्रश है। ये फ्लैट शेडो ब्रश है, आप कंसीलर को ऐसे मतलब कट क्रीज करने के लिए या कुछ प्रिसाइजली कुछ मतलब करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये वाला एंगुलर ब्रश आप, मैं तो इसको आईब्रो करने के लिए यूज़ करती हूँ। ये छोटा वाला एक फ्लफी ब्रश है, तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, ऐसे वाले बॉक्स में मिलता है। तो गाइस ये था मेरा वीडियो मेकअप के ऊपर, मेरा ब्राइड्स मेकअप प्रोडक्ट्स अंडर 500 ब्राइड्स के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब के पास मुझे बेल बटन उसे दबा दीजिएगा ताकि आप नोटिफाइड हो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चाहती हैं कि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ दूँ, ऐसे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स दिखाऊँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अफोर्डेबल में मैं अच्छे ब्रांड के दिखाऊँगी, ब्रांड के नहीं दिखाऊँगी। तो बाय।